सो हे गाइस, इम्प्रूविंग इंग्लिश का ये लेक्चर नंबर 4 है। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि अच्छे वाला कंटेंट जो है वो आपको मिल सके। सो PYQ में से कोई भी एक जो है हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 2 इसमें स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसी को भी ले लेते हैं। पहले मैं लाइव इसका करूँगा, कोशिश करूँगा कि इसको 6 या 7 मिनट के अंदर करूँ। उसके बाद में ये रहेगी कि 40 से अबो या 40 मार्क्स, एटलीस्ट 40 मार्क्स या 40 से अबो तो जाएँ ही जाएँ, बिल्कुल, ठीक है। आपको पता है मेरा अटैम्प्ट करने का तरीका, मैं कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ता नहीं हूँ। सो भले ही मुझे तुक्का मारना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। सोलोमन ऑलवेज रेफर्स इन द डिक्शनरी फॉर क्लियरिंग, रेफर्स टू द डिक्शनरी होता है, ठीक है। ओके। सिराजुद्दौला बेसीज्ड कैलकटा टू टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बेसीज्ड, बेसीज्ड SEIGED, बेसीज्ड। आई थिंक ये ठीक है यार, ये स्पेलिंग ठीक है। बेसीज्ड, बेसीज ये होता है या सीज ये होता है? बेसीज मेरे ख्याल से ये होता है। बेसीज, ओके। सो इसमें आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। द एडोलेसेंस, एडोलेसेंट, एडो एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, ओके, ये वाली स्पेलिंग है। मनदीप हैज़ रिपेयर द ट्रक, द ट्रक हैज़ बीन रिपेयर्ड। द मैन सुपरवाइजिंग द एग्ज़ाम हैड अ ह्यूज मुस्टैश इन विच लेटर। सिंगल यूरेनियम, सिंगल, अ सिंगल यूरेनियम नेचुरल गैस एज अ टन ऑफ कोल बैरल पैलेट्स लार्जर देन। सिंगल यूरेनियम अ सिंगल यूरेनियम एज अ टन ऑफ कोल 3 बैरल्स ऑफ ऑयल। सिंगल यूरेनियम, सिंगल यूरेनियम पैलेट स्लाइटली लार्जर देन है QPRS, ओके, ठीक है। मिस्टर शर्मा आस्क्ड मी इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच। मिस्टर शर्मा सेड टू हिम हैड इनवाइटेड एंड हैज माया इनवाइटेड यू फॉर लंच, हैज़ माया इन्वाइटेड यू फॉर लंच, सेट टू मी, मिस्टर शर्मा आस्ट हिम, ओके, ठीक है। लिसनिंग टू द न्यूज़ ऑफ द फादर्स इलनेस, क्या बताना है? सिनोनिम सिकनेस होता है इलनेस का, ओके। द ज्वेल थीफ वॉज पनिश्ड बाई द जज, वॉज पनिश्ड, पनिश्ड होगा। द लिटिल बॉय डिमांडेड व्हेन द फादर डिडेंट पे हीड टू हिज डिमांड्स, द बॉय मेड अ डैश। क्लोवनहोफ राई फेस अ फार क्राई जॉन्डेस्ट आई। द लिटिल बॉय डिमांडेड कलरफुल बलून्स रिबन्स इन द विलेज फेयर, डिडेंट पे हीड टू हिज डिमांड्स, द बॉय मेड अ क्लोवनहोफ राई फेस। क्या करें इसमें, इसमें तुक्का मारते हैं, ठीक है, तुक्का मारेंगे तो क्लोवन हूफ फर्स्ट वाला मानते हैं, ठीक है। मुझे वैसे सेकंड वाला लग रहा है, लेकिन ठीक है, एक तुक्का तो चल ही जाएगा। द प्रेजेंट पेपर थ्रोज लाइट ऑन द नेक्सस बिटवीन, नेक्सस का मतलब क्या होता है? नेक्सस का मतलब होता है लिंक, सिनोनिम बताना, ठीक है। एवरी टाइम बॉस कम्स अप विद सम गुड आइडिया ही गेट्स इन टू, एवरी टाइम ही गेट्स इन टू ट्रबल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गॉन टू गोवा फॉर अ हॉलीडे, हैज़ गॉन टू गोवा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स है ना। नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट वन द पेशेंट रीच्ड द हॉस्पिटल, वर की जगह आवाज आएगा। ऑल दो आई हैव अ गुड जॉब आई विश टू टेक द डैश ऑफ,
स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस ऑल दो आई हैव अ गुड जॉब आई वॉन्ट टू आई विश टू टेक दी डैश ऑफ आई वॉन्ट आई विश टू टेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस. ठीक है. इफ वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस वी मस्ट समटाइम्स एम्ब्रेस क्या म्यूटेट का क्या करना है सिनोनिम चेंज होता है. फाइनली हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रेसी हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रेसी एग्जाम्पल्स ऑफ पैसेजेस. इसमें तो शायद वही आएगा नो सब्सटीट्यूशन क्योंकि देयर देयर ये गलत है एंड बाई पैसेजेस एग्जाम्पल्स बाई पैसेजेस एंड द प्रेसी तो इसमें नो सब्सटीट्यूशन ही ठीक लग रहा है. एज अ बॉय एलन वॉज अ कीन रीडर एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर लेटर ही मूव टू कैनेडा एंड फर्स्ट कंपनी बट आफ्टर सम टाइम सोल्ड कंपनी. ठीक है पी क्यू आर एस ही ठीक है पी क्यू आर एस यही होगा. मिस्टर राघव रैक्ड हिज ब्रेन बट कुडंट थिंक वेयर ही हैड लेफ्ट द बुक रैक्ड हिज ब्रेन यानी थॉट वेरी हार्ड. ये तो सेंस पता लग रही है. एंटोनिम बताना अनप्रेसिडेंटेड का फैमिलियर होगा. ठीक है ना. टैटूइंग इज अ टैलेंट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड डैश टाइम एंड एबिलिटी या कैपेसिटी टाइम एंड एबिलिटी आई थिंक. ठीक है ना. देर आर मैनी वेरियस काइंड्स एंड डैश ऑफ टैटूइंग काइंड्स एंड जॉनरा आई थिंक जॉनरा. टैटूइंग वॉज एंड स्टिल इज अ मीन्स टू कम्युनिकेट समवन्स थॉट्स और लाइफ बाई परमानेंटली डैश अ डिज़ाइन परमानेंटली एम्बेडिंग अ डिज़ाइन ऑफ इंक एंड कलर इन टू द फ्लैश. द फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज टू डेवलप एन आर्टिस्टिक डैश एंड आर्टिस्टिक एटीट्यूड या ग्लिम्प्स एटीट्यूड आई थिंक एंड स्किल टू स्केच एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क. टैटूइंग पेनमैनशिप इज फार मोर डैश देन फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन स्केचिंग ऑन पेपर. ओके सो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है इसको करते हैं सबमिट एंड देखते हैं कितने मार्क्स बनते हैं. सो अंडर 8 मिनट ये जो है हो चुका है. 8 मिनट क्या शायद 6 या 7 लगे होंगे. सो एक बार रिजल्ट आ जाए फिर देखते हैं कितना मार्क्स स्कोर किया. होपफुली 40 से ऊपर रहने की उम्मीद है. सो ओके एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है एंड वो क्वेश्चन भी जो है कितनी देर में किया 6:49 में तो 7 मिनट से पहले 10 बार रॉन्ग है. द बॉय मेड ये वही है जो हमने सोचा था कि गलत होगा. अभी कर लेते हैं सॉल्यूशंस. तो जिसकी सीजीएल में जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक चल रही है ना वो लोग इसको देखो. और भाई मैं पहले बता दूँ कि जो आंसर्स मैं लगाता हूँ वो मैं अभी तक मैंने एंटोनिम सिनोनिम या किसी भी मतलब ग्रामर वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है. इंग्लिश की वैसे भी मैं पढ़ता भी नहीं हूँ. ठीक है मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती. सो ये जो है ये बेसिकली कुछ तुक्कों का कमाल है कुछ मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता भी हूँ इसलिए कर लेता हूँ. ओके सो यहाँ देखो जब कभी रेफर्स टू आता है जब रेफर्स होता है ना रेफर्स के बाद टू होता है हमेशा तो टू द डिक्शनरी सही था. 18% लोग जो गड़बड़ कर गए. बेसीज्ड की स्पेलिंग भी ठीक हो गई एस ई आई जी ई. ठीक है इसको 67% लोगों ने गलत कर दिया. इसको मैं भी गलत करने वाला था लेकिन चलो बच गए. उसके बाद एडोलेसेंट इसको आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए तभी कर पाओगे वरना तो नहीं. ठीक है सो नेक्स्ट इज अब ये है थोड़ा सिखाने वाला. तो यहाँ देखो एक्टिव वॉइस जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो ना. ठीक है वर्ब की थर्ड और प्लस में ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस में बनता है ऑब्जेक्ट यानी ये जो अब सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा. ठीक है प्लस में हैज़ या हैव और प्लस में वर्ब की थर्ड नहीं बीन
बीन के बाद वर्ब की थर्ड और प्लस में बाई और प्लस में जो है सब्जेक्ट, यानी कि जो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। सो यहाँ पे जो हैज़ हैव है वो आएगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से, ये सिंगुलर है प्लूरल है। यहाँ पे जो हैज़ हैव है वो आएगा इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो मनदीप था वो सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे हैज़ दिया है। फिर यहाँ पे जो ट्रक है ना, ट्रक भी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन आ गया। अगर ट्रक्स होता तो हैव बीन आता, ठीक है। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस में ऑब्जेक्ट जो कि पहले सब्जेक्ट था, ठीक है। सो इसको 13% लोगों ने रॉन्ग किया है। सो इसको एक बार काट लेते हैं। ओके ये देखो अभी द मैन सुपरवाइजिंग द एग्ज़ाम, इसका आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा। सुपरवाइजिंग द एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम में आता है वो इन्विजिलेटर होता है। एग्जामिनर वो होता है जो पेपर लेता है, ठीक है। क्यूरेटर होता है, क्यूरेटर गेम्स में होता है देखा जाए तो। कंट्रोलर मतलब कुछ कंट्रोलर का पद है जो थोड़ा बड़ा होता है इस मामले में। सो ये तो देखने से ही पता लगेगा। अ सिंगल यूरेनियम पैलेट स्लाइटली लार्जर देन अ पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी एज अ टन ऑफ कोल, 3 barrels ऑफ ऑयल और 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। सो क्यू फिर पी फिर आर एस, ठीक है। सो यही वाला बनता है। इसमें तो बस आपको ये देखना होता है कि ये किस किस तरह से जो है ये सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। 29% लोगों ने गलत किया। ओके ये फिर से वॉइस का है। मिस्टर वर्मा आस्ट हिम इफ माया हैड इनवाइटेड हिम, सो मिस्टर शर्मा आस्ट, वॉइस का नहीं है ये, नरेशन का है, सॉरी। मैं एक्चुअली दिमाग में कुछ और होता है और बोला कुछ और जाता है। सो आस्ट हिम इफ़ माया हैड इन्वाइटेड हिम, अगर यहाँ पे हैड है तो ये अगर प्रेजेंट का है तो इसमें हैज़ आएगा, ठीक है। हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट और फिर प्लस में वर्ब की थर्ड और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये जो इंटरोगेटिव की ये स्ट्रक्चर होती है ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। सो यहाँ पे आस्ट था तो सेड टू हो गया, हिम है तो हिम आ गया। इफ़ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच, ये इफ़ लगा रखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, हैज़ माया इनवाइटेड हिम फॉर लंच, हिम को पूछा है ना तो हिम का मतलब हिम है, यहाँ पे हिम है तो यहाँ पे क्या होगा वो इसके हिसाब से जो है ये बदला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू था क्योंकि मिस्टर शर्मा ने उसको पूछा है कि तुम्हें बुलाया है कि नहीं बुलाया है। सो मिस्टर शर्मा ने उससे पूछा कि तुम मतलब उसे बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, जब इसको सीधा पढ़ेंगे तब की बात है। और जब इसको वॉइस में पढ़ते हैं तो वॉइस में इस तरह पढ़ते हैं कि सामने वाले ने यही मतलब एक्यूरेटली यही लाइन बोली। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर शर्मा आस्ट सेट टू हिम, क्या माया ने तुम्हें बुलाया है, ये एग्जैक्टली लाइन है जो मिस्टर शर्मा ने बोली होगी, ठीक है। लेकिन जब मिस्टर शर्मा का हम जो पैसिव वॉइस बना के बोलेंगे तो बोलेंगे मिस्टर शर्मा ने उससे पूछा कि क्या माया ने उसे बुलाया था, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसको मतलब इस तरह से देखा करो, इस तरह से जो है वो बोल के देखा करो, जो सेंस अगर बनाता है ना वो, तब जाके उसको टिक कर दो और वो मतलब ज़्यादातर हाई चांस है कि वो जो है ठीक मिलेगा। 38% लोगों ने ये गलत किया है। उसके बाद नेक्स्ट, लिसनिंग टू द न्यूज़ ऑफ द फादर्स इलनेस, इलनेस का पता आपको बीमारी होता है सिकनेस, 7% लोगों ने गलती की बस। द ज्वेल थीफ वाज पनिश्ड, वाज पनिश्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ सेकेंड फॉर्म आएगी, तो पनिश्ड की जो सेकेंड फॉर्म है वो पनिश्ड ही होती है। द जज पनिश्ड द ज्वेल थीफ, पुलिस नहीं होगा यार, यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं है, जज है। पनिशमेंट हैड बीन गिवन ऐसा कुछ नहीं है, वाज पनिश्ड है बाई द जज, तो जज पनिश्ड टू ज्वेल थीफ, लेकिन वाज गिवन टू ये मतलब कुछ और बनता है, यहाँ पे वर्ब का जो है वो नाउन बना रखा है, तो ये भी इतना फिट नहीं बैठता। 6% लोगों की गलती, ये वाला हो गया मेरा गलत। राई फेस मे बी, हाँ राई फेस जो है वो आंसर है, 50% लोगों ने गलत किया था। द प्रेजेंट पेपर थ्रोज लाइट ऑन द नेक्सस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ, सो नेक्सस का लिंक होता है, ये 52% लोगों ने गलती किया। इवन एवरी टाइम बॉस कम्स
कम्स अप विथ सम गुड आइडिया ही गेट्स इनटू ट्रबल, इनटू के साथ में ट्रबल आता है, गेट्स इनटू ट्रबल आता है, ठीक है इसको रट लो बेशक। 36% लोगों ने गलती की है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गॉन, इज़ गॉन की जगह हैज़ गॉन, ठीक है, क्योंकि वैसे तो इज़ गॉन है, इज़ गॉन हो सकता है कि वो जा चु मतलब इज़ गॉन, ही हैज़ ही इज़ जस्ट गॉन, तो कर सकते हैं इसको, लेकिन ये सूटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। 16% लोगों ने गलती की। नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स, जब नीदर नॉर की कंडीशन आए तो जो यहाँ पे होता है ना, जो इसके इसके तुरंत बाद जो आता है वो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो आगे डॉक्टर्स आ रखा है, यहाँ वर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे द नर्स सिंगुलर है, तो सिंगुलर की वजह से यहाँ पे जो है ये डिटरमाइन होता है कि यहाँ पे क्या आएगा। उसमें भी गलती, उसमें भी डिपेंड करता है, इधर और में भी और नीदर नोर में भी, ठीक है, ना इधर पढ़ते हो या नीदर पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो ये जो है ये इसके हिसाब से चलता है, तो यहाँ वाज आएगा, ठीक है, वाज शुड बी यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे 14% लोगों ने गलती की है। ऑल दो आई हैव अ गुड जॉब आई विश टू टेक, पहली लाइन से ही स्पष्ट हो जाता है कि बंदे का कहने का इंटेंशन क्या है। ऑल दो हालांकि आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास अच्छी नौकरी है, आई विश टू टेक, लेकिन फिर भी मैं, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ टू टेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैं चाहता हूँ कि मैं रिस्क लूँ बिजनेस स्टार्ट करने का, ठीक है। यहाँ पे 26% लोगों की गलती हो गई। इफ़ वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस वी मस्ट समटाइम्स एम्ब्रेस म्यूटेट, म्यूटेट का मतलब होता है चेंज होना, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। ये एक मूवी आई होगी उस एक्स एक्स की, क्या बोलते हैं उसको, एक्स मैन की एक सीरीज़ है ना, ये फुलवरीन वाला, उसमें म्यूटेशन के ऊपर बात होती है, तो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज होना जीन्स का, वहाँ तो जीन के चेंज होने की बात थी, यहाँ पे म्यूटेट का मतलब, म्यूटेशन का मतलब कोई भी चीज़ चेंज होना होता है, ठीक है। रेप्लीकेट का मतलब कॉपी करना, इमिटेट का मतलब भी कॉपी करना, इन साइज़ का मतलब शायद छोटा करना होता होगा, छोटा करना या काटना, आई थिंक, चेंज का मतलब बदलना, ठीक है। चेंज, यहाँ पे 52% लोगों ने मिस्टेक किया है। फाइनली हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रेसिस। सो आपको ये तो पता ही होगा ना कि जो टी एच ई आई आर होता है और टी एच ई आर ई होता है, देयर का मतलब होता है संबंध दिखाना, ठीक है। संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन। सो ये रिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है प्लेस के लिए, ठीक है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, ठीक है। आई वेंट टू देयर रूम, मैं उनके कमरे पे गया। सो देयर रूम इज़ रिलेटिव, उसमें रिलेशन होता है। तो ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रेसिस, तो ये और ये तो वैसे कट जाता है, नो सब्स्टिट्यूशन जो है ये इसमें करेक्ट बैठेगा, क्योंकि बाई पैसेजेस सूटेबल नहीं है। यहाँ पे यार भारी भरकम लोगों ने मिस्टेक कर रखी है, 61% लोग। ये वाला देखो, एज अ बॉय इलोन वॉज कीन रीडर, एज अ बॉय इलोन वॉज कीन रीडर, ये बच्चे के तौर पे बताया गया, उसके बाद उसने वीडियो गेम बनाया, उसके बाद लेटर लेटर, जब वर्ड ही लेटर आ रहा है तो इसका मतलब ये बाद की बात है। बट आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड दैट कंपनी, कंपनी बेची है तो उससे पहले एक कंपनी बनाई भी होगी, ठीक है। यहाँ पे कंपनी सेट कर रहा है, यहाँ पे बेच रहा है, और ये जब इन दो के बाद आना है, इसका मतलब ये और ये सबसे पीछे चलेंगे, पहले लड़का है फिर उसने, ही इवन आ गया ना, कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करेंगे, जैसे लेटर है, आफ्टर सम टाइम है, इवन है, ये शब्द ऐसे हैं जो बताते हैं कि ये बाद के सेंटेंस है, ठीक है। 26% लोगों ने मिस्टेक की। मिस्टर राघव रैक्ट हिज ब्रेन, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि रैक्ट हिज ब्रेन का मतलब क्या होता था ये क्वेश्चन करने से पहले, लेकिन सेंटेंस ही भाई ने ऐसा दे रखा है कि मतलब कोई भी अंदाज़ा लगा लेगा इस सेंटेंस से, ठीक है ना। सो मिस्टर राघव रैक्ड हिज ब्रेन, लेकिन क्या हुआ, बट कुडंट थिंक, सोच नहीं पाया, इसका मतलब यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोचा गया है लेकिन सोच नहीं पाया है, ठीक है। सो रैक्ड हिज ब्रेन का मतलब थॉट वेरी हार्ड, बस 47% लोगों ने, यार मैं क्या बोले जा रहा हूँ। एंटोनिम अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी ना देखा गया हो, कभी ना हुआ हो,
सो फैमिली ईयर का मतलब जो हर टाइम होता हो, रोज़ होता हो, 42% लोगों ने मिस्टेक की है। ओके ये सिंपल होता है इसका, इसमें पैसेज वैसेज में कुछ नहीं होता, ये सब जो होता है भरना होता नहीं है। टैटूइंग इज़ अ टैलेंट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, टाइम चाहिए एंड एबिलिटी चाहिए, ठीक है। 34% ने गलती की। देर आर मैनी वेरियस काइंड एंड डैश, काइंड्स हैं और जॉनरा हैं, यानी तरीके, यानी क्या बोलते हैं, कैटेगरीज हैं ऑफ टैटूइंग। 56 की मिस्टेक है। टैटूइंग वॉज एंड स्टिल इज अ मीन्स टू कम्युनिकेट समवंस थॉट्स और लाइफ बाई परमानेंटली एम्बेडिंग। अब वर्ड्स का मीनिंग देखो, टैटू में होता क्या है, टैटूइंग में डिटैच नहीं होते, डिटैच का मतलब अलग करना किसी चीज़ को, टैटू में तो किसी चीज़ को अंदर घुसाया जाता है, उसमें डिटैच नहीं किया जाता। कंबाइनिंग मतलब कंबाइन तो हो रहा है, लेकिन कंबाइनिंग क्या, कंबाइनिंग ए डिज़ाइन ऑफ इंक एंड कलर इन टू देयर फ्लैश, ये भी नहीं है, कंबाइन नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइज भी नहीं कर रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं। एम्बेड मतलब अंदर घुसाना, या अंदर क्या बोलते हैं उसको, इसको कैसे बताऊँ यार, एम्बेडेड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके तरबूज में जो बीज होते हैं ना, वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समझो, जैसे हमारे दांत है, हमारे जॉ की मसल में एम्बेडेड होते हैं, इस तरह से मान लो। सो नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज़ टू डेवलप एन आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक क्या, एटीट्यूड। आर्टिस्टिक ग्लिम्प्स नहीं हो सकता, ग्लिम्प्स का मतलब होता है एक नज़र, एक ग्लांस, ठीक है। ड्रामा भी नहीं, आर्टिस्टिक ड्रामा ये वो वाला आर्टिस्टिक नहीं है, मतलब ड्रामे वाला आर्टिस्टिक नहीं है ये। आर्टिस्टिक करियर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है टैटूइंग के लिए, टैटूइंग में अगर आर्टिस्टिक एटीट्यूड हो गया तब आपका करियर स्टेब्लिश होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, एटीट्यूड वुड बी सूटेबल। टैटूइंग पेनमैनशिप इज़ फार मोर, फार मोर क्या, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड है ये टैटूइंग करना। उसके लिए इसने शुरू में बता रखा है, ये इससे पहले वाली लाइन में क्लियर कर रखा है कि टैटूइंग में पहला जो काम होता है वो होता है आर्टिस्टिक एटीट्यूड को पैदा करना और स्किल को, स्केच करने की स्किल को। फिर उसने ये लाइन दी है क्योंकि क्योंकि पेनमैनशिप जो है ना, वो स्केचिंग से क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए पहले स्केच की स्किल को करना पड़ेगा इम्प्रूव, उसके बाद में आप टैटूइंग पे आते हो। सो ये इसका भाव था। सो 19% लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक की है। सो ये था टेस्ट। एंड अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वही कमेंट में बता दिया करो, सो दैट मैं हर रोज़ कोई ना कोई मॉक टेस्ट जो है वो उठा के और उसको एनालाइज करूँ, उसको अटेम्प्ट करूँ, और जो भी चीज़ें जिस भी तरीके से मैं अटेम्प्ट करता हूँ वो मैं बता सकूँ। सो इस पे मैंने 6 मिनट और 49 सेकंड लगाए एंड एक क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ। कल वाला पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन हमने गलत किया था यार, 47 नंबर पे भी रैंक जो है वो 12,000 ऊपर आ गई है, इसका मतलब तो बच्चे 47 से भी नीचे लेके आ रहे हैं। चलो जो भी है। सो ये था टेस्ट। जो न्यूली विजिटर्स हैं इस चैनल के, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो भाई, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता यार, लेकिन मेरे को मोटिवेशन ये रहता है कि हाँ चैनल के जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। एंड अगर इससे मदद मिलती है तो वीडियो को आप लाइक किया करो। ओके, बाय फॉर नाउ।